सुबह में मुझे भी किडनैप करने दो बार ट्राई कर चुका है निजामपुरा पुलिस स्टेशन में, वो भी उसके खिलाफ NCA। दूसरे लड़के की इधर हड्डी टूट गई, घर में घुस कैसे मारपीट करता है, कौन बच्चा बर्दाश्त करेगा, घर में घुस के मारपीट करेगा, बहन को मारेगा, कितना बर्दाश्त करेंगे हम लोग। वहाँ पर मुझे गाड़ी रोका और मुझे उतार के नॉन स्टॉप मारने लगा और मुझे ने MD खिलाकर और मार रहे। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय हम भिवंडी के स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल में हैं, जहां पोदादी की किडनैपिंग का मामला सामने आ रहा है। ये मामला भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत की है, जहां पर अदनान शेख नामक युवक की किडनैपिंग का मामला बताया जा रहा है, जो कि एक एडवोकेट के यहां पर PA के रूप में काम किया करता था। कुछ लोग उसे आकर किडनैप करते हैं, इस तरह की जानकारी स्वतः जो है पीड़ित ने दी है। पूरा मामला क्या है हम उसके बारे में बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से किडनैपिंग का मामला और एक जो आरोपी है उसके ऊपर लगभग 11 NC हुए, इस तरह की जानकारी मिली हुई है। पीड़ित के परिवार और विशेष तौर पर आपको बता दें कि जो आरोपी है उसकी धर्मपत्नी जो हमारे चैनल से बातचीत कर रही है, उसने अपने पति पर आरोप लगाया, क्या कहा ये सुनते हैं। उसके बारे में बताएंगे क्या हुआ आपके बच्चे के साथ में। सर 3 बजे मेरा दरवाज़ा लॉक किया वो बंदे ने और उसको लेकर गया मैटर है बोल के। मैं पूछी भी क्या बात है, बोले रात मेरा 3 बजे। हाँ रात के 3 बजे। आजकल कभी? आज कल रात में वो सोया हुआ था और उसको उठाया तो मैं इनमें से जगाई उसको, तो बोले मैटर है, मेरा दोस्त फंसा है शांतिनगर पुलिस चौकी में, तो जल्दी से आ जा। तो बोले अरे इतनी रात में बैठा, तो बोले आंटी बोले मम्मी अब भी लेकर आ जाऊँगा। उसके बाद से सुबह 11 बजे तक बच्चे को भेजे नहीं सर, और ऐसे हालत में भेजे आदमरी हालत में उसकी, इतना मारे टॉर्चर के। मेरा नाम अदनान महबूब शेख, मेरे बच्चे का नाम, उसका नाम नवीद, वो लड़के का नाम नवीद है। कहाँ रहते हैं? मैं वाजा मोहल्ले में रहती हूँ। वाजा मोहल्ले से लेके गए? हाँ नीचे ही वो लोग की कार खड़ी थी। कार में लेके? हाँ कार में लेके। पहले भी कुछ घटना हुई? नहीं नहीं ऐसी घटना कभी नहीं। मामला क्या है? वो उसकी वाइफ को डिवोर्स लेने का था, उसका मैटर है मैडम के पास है और मेरा बच्चा इनके साथ ही रहता है, तो वो जलन से वो ऐसा किया है वो। एडवोकेट अजरा मोमिन है, मैं भिवंडी कोर्ट में और सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। ये मेरा जो है क्लर्क है अदनान, हमारे पास एक कंप्लेन थी अनम नाम की लड़की की, तो उसके खिलाफ हम लोगों ने काफ़ी वो टाइम से मैटर चालू था और 11-15 NC भी हो चुकी है वो लड़के के खिलाफ में, लेकिन कोई एक्शंस नहीं हुआ। तो मेरा असिस्टेंट था इसलिए वो उसको लेके जाता था पुलिस स्टेशन वगैरह जहाँ भी लगती थी। कल वो मेरे घर से गया है तकरीबन 9-10 बजे, उसके बाद सुबह से मुझे कॉल आ रहा है, मैंने उसको 2-3 बार कॉल भी किया, वो प्रॉब्लम में है अनम ने मुझे ऐसे बताया। पता चला अभी मैं जाके देखी तो उसको काफ़ी इंजरी है, वो मेरी क्लाइंट के हस्बैंड ने उसको काफ़ी मारा पीटा, 4 लोग उसको लेकर गए, चाकू को दिखाकर लेके गए वहाँ, उसको काफ़ी कोई होटल के आगे वगैरह प्लॉट में लेके गए, वहाँ उसको काफ़ी बुरी तरह मारे है, उसकी आईज से भी ब्लड वगैरह आ रहा है। आई वॉन्ट स्ट्रिक्ट एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट दैट। की वजह क्या है, मतलब उन्होंने बताया क्या वजह? एंगरनेस है, क्योंकि हम लोग उसकी वाइफ के जो मैटर है वो हम लोग चला रहे हैं, हम लोग उसके लॉयर है, तो हम लोग ने उसके अगेंस्ट में काफ़ी कंप्लेन वगैरह भी फाइल किए हैं, केस फाइल कर रहे थे, NC लिखा है। वो मेरी क्लाइंट है ना, आप उससे पूछो तो आपको ज़्यादा समझ। जो हथियार की आप बात कर रहे थे, हथियार मिलकर ये सारी जानकारी आपको किसने दी? मैं सुबह में जैसे ही वहाँ पहुँची मुझे कॉल आया उसकी मम्मी का कि उसके साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गए। मैं पहुँची तो फिर वो बताने लगा कि मैडम मेरे को ऐसे लेकर गए और मुझे इतनी बुरी तरह से मारे, मेरा उसके ही के नॉट, वो वॉक भी नहीं कर पा रहा है, उसको वॉमिट हो रही है, रॉड आयरन रॉड से उसके सर वगैरह पे भी मारे हैं। और मेरे हस्बैंड का नाम नवीद है, वो ना आज 2 साल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, घर में मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते, बहुत ज़्यादा, और वही चीज़ को लेके NC वगैरह होता है। मेरी अम्मी तक को घर, मेरी अम्मी के घर में घुस के अम्मी के ऊपर भी हाथ उठाए हैं, तो मैंने डिवोर्स लेने का डिसीजन ले ली थी, तो अजरा मैम के पास अभी मेरा 3 महीने से केस चल रहा है, तो वही अदनान मैम का एडवोकेट ही साथ में, तो पुलिस स्टेशन जाना आना होता है, तो वो पता नहीं क्या उसको सूझा कि अदनान को ले जाके, और आज सुबह में मुझे भी किडनैप करने 2 बार ट्राई कर चुका है निजामपुरा पुलिस स्टेशन में, वो भी उसके खिलाफ NCA। आज सुबह में मुझे भी ज़बरदस्ती कार में लेके जाने के लिए आया था, तो उसके बाद ही मैंने अदनान को कॉल लगाई कि ऐसा ऐसा कर रहा है, तो फिर अदनान सामने से अभी तक का मेरा सपोर्ट कर रहा था, तो वो मुझे बोलने लगा तुम एक काम करो, मतलब सुलहनामा करके चले जाओ, तो मुझे डाउट गया कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है, तो जाके मैंने मैम को बोली, तो फिर ऐसे ऐसे करते मतलब हम लोग को पता चला कि अदनान उसके मतलब उसको उसने पकड़ के रखा हुआ है,
और अभी जब मैंने आज अभी यहाँ पे आके देख रही तो उसको इतनी बुरी तरीके से मारा हुआ है वो नवीद ने। MD लेता है वो, नशे में रहता है वो, बहुत नशा करता है। आपको जब फोन किया गया था तो अदनान उनकी कर रहा था? हाँ अदनान उसके पास था, मतलब हम लोग के पास रिकॉर्डिंग भी है बाकायदा। अदनान बात कर रहा है कि बाकी हम लोग का ना पुलिस स्टेशन में खुला हो गया है, खुला हो गया है, लेकिन है ना वो मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मतलब वो रखना भी नहीं चाहता है सर मुझे, और घर ले जाके बहुत टॉर्चर करता है, इतना मारता है ना, कितनी बार उसके मेरे को वैसा मारा है कि हाफ मर्डर केस उसके ऊपर हो चुका है कुमारवाड़ा में। मेरी अम्मी को मारता है, MD लेता है, गिरी करके मेरे बच्चों लोग को भी मारा है, मेरे को दो मरतबा मारा है, माइनर अटैक मेरे को आ गया था। इतने सब ये पूरी सब देखिए, सब पुलिस स्टेशन की है, निजाम पूरा कौन कब क्या, ये सब निजाम पूरा बुईवाड़ा पुलिस स्टेशन सब जगह की LC है, पूरे पुलिस स्टेशन की सब जगह की LC है हम लोग के पास। ये देखिए खुला नामा की भी LC है हम लोग के, जो वो हुआ था खुला हुआ है कि खुला हुआ, खुला है खुला, ये सब है वो जो फोटो के साथ में, ये सब साथ में सब टूट गई, दूसरे लड़के की इधर हड्डी टूट गई, घर में घुस कैसे मारपीट करता है, कौन बच्चा बर्दाश्त करेगा घर में घुस के मारपीट करेगा, बहन को मारेगा, कितना बर्दाश्त करेंगे हम लोग 2.5 साल से। पुलिस वाले लोग लेते भी है ना तो आधा एक घंटा बैठाएंगे फिर उसको जामीन दे दो ये दे दो करके छूट जाता है वो, और उसकी पहचान भी इतनी है ना भाई कि आपको क्या बताऊँ, बहुत जल्दी से पुलिस वाले लोग सब पहचानते हैं, जहाँ जाओ ना सब पुलिस में उसकी पहचान है। DCP सर के पास भी जा चुका है मैटर दो बार, हम लोग समझो 2.5 साल से हम लोग। DCP सर मतलब ACP जो वो रहते हैं इंचार्ज जो लोग रहते हैं ना उन लोग के पास भेज देते हैं सर, बोलते हैं कि एक्शन लो, और फिर उसको बुला के वही समझा के भेज देते हैं कि अब नहीं करना, यही सब बोल के चैलेंज नहीं देगा कि मेरी औरत है मैं ले जाऊंगा, और जब घर ले जाते हैं ना तो मारता पीटता है। मैं घर पर तकरीबन 2 बजे आया था, मेरी सीनियर मैम के वहाँ फंक्शन था, मैं लेट नाइट घर पर आकर सो गया था, और मुझे तकरीबन 2:30 बजे से कंटिन्यू कॉल आ रहे थे नवीद नाम के, और मैं उसका कॉल रिसीव नहीं किया, और मैं कॉल रिसीव नहीं किया एक्चुअली मैं सो गया था, तो फिर घर पर आया वो, घर लॉक किया, मम्मा है ना, मम्मा को बोलने लगा कि अर्जेंट मैटर है, बोले कोई लॉयर अभी इस टाइम है नहीं, बोले तुमको बुला लो खाली 10 मिनट का काम रहेगा मैं लाकर छोड़ दूँगा। तो मम्मा ने मुझे उठाया और सडनली मुझे ऐसे अर्जेंटली जाना पड़ा और मैंने चले गया, डायरेक्ट मुझे पकड़ कर वेपन्स यूज़ करा मुझ पर गाड़ी में डाल दिया, पहले मुझे बोला चलो ग्रीन लाइन पे, और फिर ग्रीन लाइन के आगे लेके गया मोहम्मद अली ढाबे के पास, और उसके आगे ना सर राइट लेफ्ट में कोई गांव है, छोटा सी गांव है, ओपन प्लॉट है, पूरा अंधेरा था, वहाँ पर मुझे गाड़ी रोका और मुझे उतार के नॉन स्टॉप मारने लगा, और मुझे ना MD खिलाकर और मार रहे रॉड से, और उसके साथ 4 लोग थे कंटिन्यू मुझे मार रहे। चारों का नाम मालूम? उसमें से सिर्फ 2 लोग का नाम पता है मुझे, एक का नाम नवीद है और सेकंड का नाम उसका पेट नेम मंकी है, रियल नेम नहीं पता। कितने घंटे तक की मतलब आपको? मुझे अब 3:30 बजे तक वहाँ पर पहुँचे थे हम लोग, और मतलब 6:30 बजे मुझे वहाँ से लेके गए और दामनकर नाका लेके गए, वहाँ से उन्होंने एक ऑटो में से आया आदमी, उन लोगों को ना कुछ पाउडर दिया 3-4 पैकेट, वो पाउडर लेकर फिर मुझे वापस अजंता लेके गए, वहाँ पे ओल्ड कंस्ट्रक्शन था उल्टा, और वहाँ पर मुझे ऊपर लेकर गए 4th फ्लोर पर, वहाँ पर लेकर जाके वहाँ पे अंदर रूम में ले जाके मुझे ड्रग्स लेकर मार रहे। आप मतलब बचाव के लिए, किसी और उन लोग खाली बोलते जान ले लेंगे चिल्लाएगा तो जान से मार देंगे, विरोध नहीं किया उनका नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो चाकू रखे थे, मुझे कुछ करने का मौका नहीं मिला, और मेरा सेलफोन भी उन लोगों के पास था कि मैं किसी को कॉल कर लूँ। पैसे क्या छोड़े आपको? मुझे मेरे भाई का कॉल आया उनको कि ऐसा ऐसा करके मेरा भाई तुम्हारे पास है करके, तो वो बोला ठीक है, बोले 10 मिनट में बोले मैं भेज देता हूँ, फिर मुझे नीचे उतार कर मुझे जोर से लात मार के चले गए। अच्छा कोई हथियार हथियार से? हाँ मुझे उनके हाथ में ना लोखन का रॉड था 2, और कोई चाकू वगैरह थी 2-3, और हाथ में वो शायद पहने थे, मुझे यहाँ पर मार रहे थे, और चारों नशे में थे।